ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलंदशहर प्रशासन की ओर से नाला सफाई को लेकर किए गए तमाम दावे कुछ मिनटों की बारिश में धुल गए। 30 से 45 मिनट तक हुई बारिश के बाद बुलंदशहर जलमग्न हो गया। बुलंदशहर की कई कॉलोनियों में तो बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह कुछ मिनटों की बारिश के बाद बुलंदशहर की ये कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये हाल न तो किसी एक कॉलोनी का है, ना ही सिर्फ बुलंदशहर सिटी का, बल्कि ये हाल जिले के कई और हिस्सों का भी है जो बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। थोड़ी ही देर की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर नगर पालिका की टीम की ओर से नाला सफाई के लिए जो तमाम दावे किए जा रहे थे, आखिर वो दावे खोखले क्यों साबित हो गए? बारिश का ये आधा आनंद विहार नीचे का एरिया है। हाँ। इसमें ये जो बड़ा नाला आ रहा है जिसका कट से अंदर पानी आ जाता है। हाँ। और पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है, डायरेक्ट 3-3 फीट पानी हो जाता है। जो घरों में पानी जिनके बाद लग रही पूरे घर में पानी चला जा, और नुकसान बहुत लोगों का हो रहा है, जिनके नीचे बैठ है ये सब खराब हो गए। बारिश से बहुत दिक्कत है, पहली बार तो नाले की सफाई नहीं होती, उसमें गोबर और सब गंदगी इसी में रहती है। और कम से कम 5 साल तो सफाई नहीं हुई नाले की। इसकी शिकायत करिए, शिकायत करते हैं कोई, इसकी हुई नहीं तो सुनवाई। बारिश से हमारे घर में बहुत परेशानी है, हम लोग तो बैठे रोटी पानी भी नहीं हुए। हाँ। इतने परेशान है, कहाँ से करने बताओ, कितनी गंदगी है रही है, घर घर में देख रहे थे चारों तरफ है। और इस नाले को साफ करवाओ, जब तक पानी है हमारे यहाँ तो बहुत परेशान। तो कुछ ऐसी तस्वीरें और भी आपको बुलंदशहर की दिखाते हैं, जहां बारिश ने शहर ही नहीं आईपीएस और पीसीएस अफसरों के बंगलों को भी तालाब बना दिया है। न सिर्फ बारिश का पानी इन बड़े अफसरों के बंगलों में जहां घुसा है, बल्कि नालों की गंदगी भी अफसरों के कमरे में घुस गई है। जैसा ही नगर पालिका के अफसरों को आवासों में बारिश का गंदा पानी घुसने की खबर मिली, अफसरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सफाई कर्मचारियों की टीम अफसरों के बंगलों पर पहुंची और जल निकासी में जुट गई। बीएस अम्बरीश कुमार के बंगले में भारी बारिश का पानी भर गया। इतना ही नहीं, एसडीएम सिकंदराबाद रविशंकर के बंगले में भी 30 मिनट की बारिश ने तालाब में तब्दील कर दिया। एआईजी स्टाम्प और एडीएम न्यायिक शमशाद हुसैन का आवाज भी पानी से लबालब नजर आया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 30 मिनट की बारिश ने शहर में आम आदमी के क्या हालत कर दी है। बता दें कि शहर में जल निकासी की जिम्मेदारी नगरपालिका की है, बावजूद इसके नगरपालिका जल निकासी को लेकर जरा भी संजीदा नजर नहीं आ रहा है। लगातार करीब 1 घंटे काफी तेज बारिश हुई है, इस कारण जल भराव की समस्या की हमें जानकारी हुई है। हम स्वयं वहाँ पर गए थे, हमने उसका निरीक्षण किया और अपने संबंधित जो हमारे सफाई नायक हैं और इंस्पेक्टर उनको भेजा, उन्होंने उसको समाप्त कर दी। उसमें पानी निकल गया, वहाँ कोई ठीक से नहीं है, वाटर लाइन की समस्या नहीं रहेगी। देखिए, आज चूँकि बहुत तेज बारिश हुई है, अचानक इतनी बारिश के बाद जो पानी था तुरंत निकलने में समय लगा, आधे घंटे पानी निकलने में टाइम लगा था लगभग। कुछ मकानों का ड्रेनेज सिस्टम भी दिखवाया जा रहा है, क्योंकि ये पता लगा कि पिछले वर्षों में भी वहाँ पानी तुरंत नहीं निकलता था, तो एक्शन पी डब्ल्यू निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि इस कॉलोनी के मेंटेनेंस का काम पी डब्ल्यू द्वारा रखा जाता है, तो एक्शन पी डब्ल्यू की पूरी टीम पहुँच करके ये आज सर्वे कर रही है कि जो जिन घरों में जो सड़क के किनारे हैं इनमें पानी के। तो वहीं बारिश से बुलंदशहर